स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर एंड दैट इज थ्री चीयर्स फॉर गम्बी कैट. सो दिस इज अ पोएम इन विच वी विल स्टडी एंड रीड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ए गम्बी कैट. विल रीड इन दिस पोएम दैट वॉट द कैट डज इन इट्स डे एंड नाइट टाइम. विल स्टडी, विल रीड that what are her features and how she manages the mice in the house. So let's begin. So firstly, you can see that there is an image in which there is a cat lying on the mat. So it's a Gumby cat. What is Gumby? Gumby is a kind of species, you can say, a kind of cat. So let's begin with the first stanza. I have a Gumby cat in mind. Her name is Jenny Any Dots. So in this, the poet is the narrator who is telling about the cat. The poet says that he has a Gumby cat. कि उसके पास में Gumby cat है, जो उसके ध्यान में है. और उसका जो नाम है वो क्या है? जेनी एनी डॉट्स. तो गम्बी कैट्स नेम इज़ जेनी एनी डॉट्स. दिस इज़ द नेम. हर कोट इज़ ऑफ द टैबी काइंड. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द कोट? कोट मीन्स द अपर स्किन, यू कैन से द स्किन, द लेदर, द कोट. द कोट मीन्स द स्किन, द स्किन पार्ट ऑफ द कैट. सो द उसका जो ऊपर की जो लेयर है, स्किन जो है, वो किस तरह की है? टैबी काइंड की है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है. और उसके ऊपर क्या है? टाइगर स्ट्रिप्स. जैसे टाइगर होते हैं, टाइगर आपने देखा होगा, उसके यहाँ पे जो पतली पतली सी स्ट्रिप्स होती है, लंबी लंबी सी वर्टिकल में, तो वो जो है स्ट्रिप्स इसके कैट के ऊपर भी है. और जो लेपर्ड होता है, लेपर्ड आपने कभी देखा होगा, तो उसके काले काले ऐसे जो होते हैं ना, स्पॉट्स होते हैं उसकी पूरी बॉडी पे, तो वो वही स्पॉट्स इसके बॉडी पर भी है. ठीक है. So this is basically in these two lines we have known that what the name of cat is and what is her body features. All day she sits upon the stairs or on the steps or on the mat. So पूरे दिन क्या करती है? या तो वो सीढ़ियों पे बैठी हुई होती है, यानी छोटी छोटी जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, उस पर बैठी हुई होती है, या फिर वो जो चटाई मैट है उस पर वो बैठी हुई होती है. She sits and sits and sits and sits. तो वो क्या करती है? सिर्फ बैठी रहती है. उसको आप जब भी देखोगे दिन में तो वो बैठी हुई दिखती है. तो she sits and sits and sits and sits. And that's what makes a Gumby cat. और इसीलिए इसका जो नाम है वो क्या रखा है? इसलिए वो कैसी कैट है? वो Gumby cat है. In the next stanza, we'll see. But when the day hustles and bustles इज़ डन. अच्छा, हसल एंड बसल का मतलब क्या हो गया? शोर शराबा. दिन में आप देखते होंगे कि घर में शोर शराबा, हलचल, ठीक है, नॉइस, ये सब रहती है. तो जब दिन का एंड हो चुका होता है, मतलब जब शाम आ जाती है, दिन ढलने को होता है, रात आ जाती है, तो सब उस समय क्या होता है कि जितना भी शोर शराबा होता है वो कम हो जाता है. ठीक है. तो जब ये हो चुका होता है तब क्या होता है? देन द गम्बीज कैट वर्क इज बट हार्डली बिगिन. तो जो गम्बी कैट होती है उसका जो काम होता है तब वहाँ से शुरू होता है. मतलब दिन में तो वो सोती है, लेटती है, बैठी रहती है, और रात में उसका जो होता है अपना, उसका जो काम होता है वो शुरू होता है. एंड व्हेन ऑल द फैमिली इज इन बेड एंड एस्लीप शी टक्स अप हर स्कर्ट्स टू द बेसमेंट टू क्रीप. तो क्या इसका मतलब कि जो फैमिली होती है, जो उसके घर में, मतलब जो हाउस में जो भी लोग रह रहे होते हैं, जो परिवार रह रहा होता है, तो वो रात में सोने के लिए बेड पर चले जाते हैं. ठीक है. और वो एस्लिप मतलब सोना, तो वो सोने के लिए क्या करते हैं? या तो बेड पे चले जाते हैं. उस समय वो क्या करती है? उस समय वो जो होती है बेसमेंट, मतलब होता है नीचे, बेसमेंट जो नीचे का पोर्शन होता है घर में, जिसे हम कहते हैं ये ग्राउंड फ्लोर कह लो आप, या जो बेसमेंट है नीचे का जो पोर्शन है, वहाँ पे वो नीचे उतर के वो आती है. टू क्रीप, क्रीप मतलब होता है रेंगना. तो वो रेंगती हुई वहाँ पे आ जाती है बेसमेंट पे.
शी इज़ डीपली कंसर्न विद द वेज ऑफ द माइस. तो उसको बहुत ज़्यादा जो होती है वो चिंता होती है किसके लिए, माइस. माइस मतलब होता है चूहे, ठीक है. एक होता है माउस, MOUSE माउस. तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर का प्लूरल होता है माउस का माइस, मतलब एक से ज़्यादा चूहे. तो वहाँ पे जो चूहे होते हैं तो उनकी जो तौर तरीका होता है, उनके जो काम, जो चूहे वहाँ पे जो भी शैतानियाँ जो भी कर रहे होते हैं, तो उनसे वो उससे उसको लेके वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होती है, काफ़ी ज़्यादा चिंतित होती है. तो वो क्या करती है, अच्छा वो क्या करते हैं, पहले देयर बिहेवियर इज़ नॉट गुड. तो जो चूहे हैं उनका जो व्यवहार है, बिहेवियर, वो अच्छा नहीं है. एंड देयर मैनर्स नॉट माइस, ठीक है. और उनके जो मैनर्स हैं, ठीक है, जो तमीज़ है, वो भी नहीं अच्छे हैं. नॉट नाइस मतलब अच्छे नहीं है, ठीक है. सो व्हेन शी हैज़ गॉट देम लाइंड अप ऑन द मैटिंग, तो वो क्या करती है कि वो सभी चूहों को एक जो वहाँ पे नीचे मैट है, वहाँ पे जो चटाई, जो मैट बिछी हुई है, वहाँ पे क्या करती है, उन सभी को एक लाइन में खड़ा कर देती है. मतलब चूहे एक लाइन में, एक कतार में पीछे, एक के पीछे एक खड़े हो जाते हैं. तो ये कौन करता है, ये कौन करवाती है, ये गंबी कैट करवाती है. शी टीचेज दैम म्यूज़िक, क्रॉशेटिंग एंड टैटिंग. तो अब वो क्या करती है, उसके बाद में वो उन चूहों को म्यूज़िक सिखाती है, ठीक है. म्यूज़िक सिखाती है, क्रॉशेटिंग और टैटिंग. टैटिंग का मतलब होता है बुनना, किसी चीज़ को बुनना, ठीक है. मतलब काम सिखाती है एक तरह से, उनको गाना सिखाती है, जो सिलाई कढ़ाई होती है, इस तरह की चीज़ें वो उनको सिखाती है, ठीक है. सो दिस इज़ द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस पोएम. सो टुमारो वी विल read the part second of this poem. So just watch this video again and revise.